और अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो गई है। राज्य में एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 8 अक्टूबर को होगा। नामांकन खत्म होने के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे तमाम दलों के चेहरे भी अब तय हो गए हैं। कांग्रेस ने 90 में से 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भिवानी सीट माकपा को दी है। इस चुनाव में खिलाड़ियों के साथ कई दिग्गज का सियासी भविष्य भी दांव पर होगा। चर्चित चेहरों की अगर हम बात करें तो इस चुनाव के चर्चित चेहरे कौन कौन से हैं? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि लाडवा सीट से, तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला उचाना कला से, इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला इलेनाबाद से और आप हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा कलायत से चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से पहली बार 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के बीच में कड़ी टक्कर है। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट, तो आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से कैप्टन योगेश बैरागी मैदान में है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विनेश टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भी पहली पहलवान बनी। विनेश के सामने बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। पेशे से पायलट रहे योगेश बैरागी भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और बीजेपी खेल प्रकोष्ठ हरियाणा के सह संयोजक है। वहीं आपने जुलाना में विनेश और योगेश के सामने WWE पहलवान कविता दलाल को मैदान में उतारा है। कविता भारत की ओर से सबसे पहले WWE में जाने वाली महिला रेसलर थी। लोग उन्हें लेडी खली के नाम से भी जानते हैं। अब बात होगी जुलाना की, कि जुलाना में आखिर महाबली कौन है। आप देख पाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी, कांग्रेस ने विनेश फोगाट और आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को चुनावी मैदान में उतारा है। अब आपको हम टेबल के जरिए हरियाणा में कुछ और सीटों के उम्मीदवार भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार किस सीट से चुनावी मैदान में है। अगर हम बात करें बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की, तो ये लिस्ट आपके सामने है। अंबाला कैंट से, इसके अलावा आपको बता दें कि अनिल विज हैं उम्मीदवार, कांग्रेस से परिमल परी हैं, राज कौर गिल हैं आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार। तो ये पूरी लिस्ट आप देख पाएंगे कि हरियाणा में कौन सा उम्मीदवार किसके सामने है और कड़ा मुकाबला क्योंकि इनके बीच में होने वाला है, इसको लेकर ये पूरी लिस्ट भी सामने है। अब आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 1715 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। राज्य में पहली बार 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी शामिल है। इनमें JJP आजाद समाज पार्टी और INLD बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस INDIA अलायंस के तहत एक सीट CPIM को दे चुकी। इस चुनाव के बड़े चेहरों में रेसलर विनेश फोगाट, कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुडा, देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, इसके अलावा पूर्व CM चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन और पोता भव्य बिश्नोई शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी और पोती श्रुति चौधरी, रेवाड़ी से लालू यादव के दामाद चिरंजीव राव, नूह हिंसा के आरोपी मामन खान, मुख्यमंत्री नायब सैनी, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी उम्मीदवार हैं, जो कि खास चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। उनकी लिस्ट यहां पर हम आपको बता रहे थे।